हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन कोड AES। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, कोयले के बारे में। आपने सुना होगा कि आजकल देश में कोयले का जो भंडार है उसमें कमी आई है। हमारे पावर प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल बचा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? आइए इसके बारे में आज जानेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे वहां थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कोयले से पावर प्लांट्स चलते हैं पूरे देश में, वह लगभग 70% कवर करते हैं पूरे पावर प्रोडक्शन का। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे कंट्री में, उसमें 70% अकेले कोयले की डिपेंडेंसी हमारे वहां है। और हाल ही में पावर मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसने ये बोला था ऑफिशियली कि लगभग 135 थर्मल पावर प्लांट्स हमारे वहां जो है उनमें मात्र 4 दिन का कोयले का रिजर्व है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास मात्र 4 दिन का ही कोयले का रिजर्व बचा है थर्मल पावर प्लांट्स के पास? उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में कोयले की जो खदान है, जो कोल माइंस है, वो मुख्य रूप से किस किस जगह पे हैं और किन किन नाम से प्रसिद्ध हैं? जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इंडिया में झरिया बोकारो, रानीगंज, ये सारे झारखंड के एरिया हैं जहां पे कोल माइंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सिंगरौली करके है, सिंगरेनी करके है, तमिलनाडु में लिग्नाइट का कोल पाया जाता है, उड़ीसा में तलचर और इब करके एक रीजन है, वहां पे भी कोल का रिजर्व अच्छे खासे मात्रा में है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, पेंच और कान्हा, इसमें टाइगर रिजर्व भी हैं और यहाँ पे कोल बेड के माइंस भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा ईस्ट इंडिया है, जो वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वह कोल के लिए अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा वहां पे है। तो आप यहाँ पे बात करेंगे कि हमको कोल की दिक्कत क्यों आ रही है, क्या रीजन है कि हमारे पास कोल होते हुए भी 4 दिन का रिजर्व बचा हुआ है? तो इसका जो मुख्य कारण है वह आगे की स्लाइड में आपको मिलेगा। देखिए, इसके पहले हमको कुछ डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखने होंगे। जैसे कि अगर हम अगस्त 2019 की बात करें, अगर हम अगस्त 2019 का एक कोल सेक्टर का डेटा ले लें कि कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता था, कितना कंज्यूम होता था, तो उस समय हमारे पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट 106 बिलियन यूनिट की रिक्वायरमेंट थी अगस्त 2019 में। तो उस समय हमारे पास कोल की अवेलेबिलिटी भी अच्छी थी। जैसे ही टाइम बीतते गया और अगस्त 2021 आया, मतलब हाल फिलहाल के 2 सालों में ही, अगस्त 2019 से लेके अगस्त 2021 तक हमारी जो यूनिट की डिमांड थी वह 106 बिलियन से बढ़ के 124 बिलियन हो गई। मतलब कि जो हमारा पावर कंजम्पशन था वह काफी तेजी से बढ़ा है हमारे पूरे कंट्री का। तो अब हम बात करेंगे कि अगस्त 2019 में, ठीक है, जो जब रिक्वायरमेंट काफी सही मात्रा में थी, आई मस्ट से दैट कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो हो ही रहा था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी कोल की रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट हो रही थी, लेकिन सितंबर के आसपास कोल माइन के एरिया में, सितंबर के आसपास कोल माइन के एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। ठीक है, तो बारिश होने से हुआ क्या कि वहाँ का जो कोल प्रोडक्शन था और डिलीवरी टाइमिंग थी वहाँ पे लेट हो गई। तो क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कोल के प्रोडक्शन में। जैसे कि आपको पता है कि एक जियोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करता है, तो उस एरिया में बारिश बहुत होने लगी थी, तो उससे क्या हुआ कि जो डिमांड थी वो बढ़ती चली गई, सप्लाई कम हो गई। क्योंकि जब बारिश होगी तो कोयला का जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, डिलीवरी धीरे होगी, कोयला जो निकलेगा भी
वह गीला हो जाएगा, बारिश में भीग जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के काम में जल्दी नहीं आ पाएगा। मानसून के पहले जितने भी पावर प्लांट्स थे वो अपना स्टॉक इकट्ठा नहीं कर पाए थे प्रॉपर अमाउंट में। तो दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हुई कि सितंबर के आसपास हैवी रेन हो गया उस एरिया में। जब हैवी रेन होने लगा तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो स्टॉक कम आ पाया पावर प्लांट्स के पास। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी तो अपना इंपोर्ट करके कोल मंगा सकते थे। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट करती है ये, लेकिन अभी कोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज़्यादा हैं और साथ ही साथ कोरोना भी चल रहा था, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम था हमारे कोल प्रोडक्शन में वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इंटरनेशनल प्राइस कोल के ज़्यादा होने के नाते हम कम कोयला इंपोर्ट कर पाए थे, तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, और साथ में कोल प्रोडक्शन भी उस लेवल पे नहीं हो पाया जिस लेवल पे चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी, तो इसी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो गई पावर प्लांट्स में। तभी पावर मिनिस्ट्री ने बोला है 1 अक्टूबर को कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके पास लगभग लगभग 4 दिन का ही कोयला का रिजर्व है, बट गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है और अच्छे से कर रही है, चिंता मत करिए, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, बस हफ्ते 10 दिन में मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आगे वाली स्लाइड में, अगर आप देखें तो इसमें हम बात करेंगे कि कोयले की मदद से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहले जो कोयला होता है उसको फैक्ट्री में लाते हैं, पावर प्लांट्स में लाते हैं। इस ग्राफ को देखिएगा, इसमें अच्छे से जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि किस तरीके से कोयले को एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो जब कोयला आता है उसको ये लोग एक वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे होंगे। तो वाटर जो हीट हो रहा है उसमें उससे स्टीम निकलेगा, तो जो स्टीम होगा वह पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन में जाएगा, ठीक है। तो जो फर्नेस बना है वहाँ पे कोयला जल रहा है और पानी गर्म हो रहा है, पानी बॉयल कर रहा है बॉयलर में, उसको फर्नेस बोलते हैं। तो जब पानी बॉयल करेगा तो उसमें स्टीम बनेगा, तो वो स्टीम जो होगा वह टरबाइन वाले एरिया में जाएगा, और टरबाइन एक तरह का इंजन होता है भैया, आपको सबको पता होगा, वह बहुत तेज़ी से घूमता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर में स्टोर कर लेते हैं, फिर बाकी ट्रांसफार्मर से हम इसको ट्रांसमिशन लाइन में भेज देते हैं। तो मोटी मोटा तौर पे ये जो बेसिक डायग्राम है ये आपको एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरीके से कोयले का इस्तेमाल हम पावर प्रोडक्शन में करते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में मैंने पावर प्लांट्स भी बता दिया है कि किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट यूज होते हैं। तो दिक्कत हमारे वहाँ क्या आ रही है, हमारे देश में दिक्कत मेन मुख्य रूप से क्या आ रही है, दिक्कत ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कोल पे 70% है, और कोल बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारे वहाँ अवेलेबल है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वह बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत भी पूरा कर सकें, इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, और ये जो कोयला वगैरह है ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं हर तरीके से, इसको हम कम से कम इस्तेमाल करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को किस तरह से फुलफिल करें। तो हमको करना क्या होगा, देखिए आई होप आप सबको पता होगा लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि ये मेरा काम है आपको बताना। जिस तरह से आप अगली वाली स्लाइड में देख रहे हैं इसमें क्या है कि हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि हमको सोलर पैनल का इस्तेमाल करो। देखिए कुसुम योजना चला रही है गवर्नमेंट, पीएम कुसुम योजना, जो किसानों को इरिगेशन करवाएगी सोलर पैनल लगा के। तो इसी तरह से पूरे नेशनल लेवल पे लेके आओ कि सोलर का यूज़ किया जाए, विंड पावर का यूज़ करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करो, आप डैम्स बनाओ, चेक डैम्स बनाओ ताकि टर्बाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करो, इससे पॉल्यूशन बहुत कम होगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी नीड्स भी रिक्वायरमेंट जो होगी आपकी वो फुलफिल हो जाएगी।
देखिए हिमाचल प्रदेश में कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी का हम लोग यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कम से कम उस आसपास के एरिया में, हिमाचल प्रदेश में, हम जियो थर्मल एनर्जी का यूज़ करके, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके, आसपास की रिक्वायरमेंट जो है, नीड है, वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए देश में हमारे कितना ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है और कितना ज़्यादा कचरा वेस्ट डेवलप होता है, तो हमको करना क्या चाहिए, वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए कि बायोमास का प्रोडक्शन करो। बायोमास से भी आप एटलीस्ट लोकल लेवल पे आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। तो देखिए जितना ज़्यादा हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे हर किसी भी चीज़ का, उतना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी किसी भी कोल जैसे प्रोडक्शन पे कम होगी, हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी, हम इम्पोर्ट कम से कम करेंगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, और साथ ही साथ जो हमारा गोल है पेरिस क्लाइमेट गोल, जिसका एक इंडिया सिग्नेटरी है, उसको भी फुलफिल करने में हम मदद करेंगे। और इंडिया में हम क्लाइमेट को लेके बहुत सतर्क रहते हैं, तो हमारा जो पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब कम से कम होगा। फॉरेस्ट जो कट रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो भी कम से कम होने लगेगा। भाई जब हम कोल का उत्पादन कम से कम करेंगे तो फॉरेस्ट कम क्लियरेंस होगी, तो फॉरेस्ट कम से कम कटेंगे, जब कम से कम कटेंगे तो ग्रीनरी बरकरार रहेगी, तो इन सब चीज़ों से हमको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी कि हमारे इंडिया में कोल की शॉर्टेज क्यों हो रही है, बेसिक रीजन क्या है इस चीज़ के, और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं हमारी कंट्री में, ताकि हम एक क्लीनर क्लीनर एनर्जी की तरफ जाएं, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी भी हो सकें और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी ना हो, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना हो, और हम अच्छे से रहें, हमारी कंट्री अच्छे से रहे, हमारा पूरा भारतवर्ष बहुत अच्छे से रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।